नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं एक साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर हूँ। PGDCS कोर्स 1 के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ। आज हम इस कोर्स में साइबर क्राइम और कुछ केस स्टडीज की बात करेंगे, कुछ प्रिवेंशन टिप्स हम आपसे शेयर करेंगे। आज के लेक्चर में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? सबसे पहला हम देखेंगे साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ केसेस, फिर हम जानेंगे कुछ सेफ्टी मेजर्स। लेकिन सेफ्टी मेजर्स जानने से पहले हम फिशिंग के टाइप्स भी पहचानेंगे कि फिशिंग के कितने टाइप्स की हो सकती है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, क्योंकि हमारा अगला केस साइबर स्टॉकिंग से जुड़ा हुआ है। साइबर स्टॉकिंग किसी भी व्यक्ति को या ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेट के द्वारा परेशान करना, उसके पीछे पड़ जाना, उसको उसको चारों तरफ से घेर लेना, इसको साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। इसके पीछे मकसद कुछ भी हो सकता है। जो मेन मकसद अभी तक रिसर्च और डेटा से आए हैं वो हैं, पहला सेक्सुअल हरासमेंट, दूसरा प्यार का पागलपन, तीसरा जो आया है वो आया है कि बदले की भावना, सामने वाले व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन से बदला लेने की भावना के चक्कर में लोग साइबर स्टॉकिंग करते हैं। चौथा है अपने ईगो को सेटिस्फाई करना, ईगो में आकर साइबर स्टॉक करना कि नहीं, मैं तो इसको परेशान करके छोड़ूंगा, इसने मुझे ऐसा कैसे बोला, इसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। तो ये कुछ रीजंस हैं जो साइबर स्टॉकिंग के हैं। कुछ फैक्ट्स साइबर स्टॉकिंग से जुड़े हुए वो ये हैं, करीब करीब 20,000 से भी ज़्यादा केसेस जो हैं साइबर स्टॉकिंग के हर साल रिपोर्ट किए जाते हैं, और इनमें से 90% से ज़्यादा औरतों के खिलाफ होते हैं। इनमें औरतें विक्टिम्स होती हैं। इट इज़ ऑल्सो एस्टिमेटेड दैट देर मे बी एज मैनी एज 5 लाख ऑनलाइन विक्टिम्स ईच ईयर। दिस इज सो सैड, ये इतनी दुख की बात है। साइबर स्टॉकर्स, उन्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि इंटरनेट पर अनोनिमिटी है तो वो कुछ भी करेंगे तो पता नहीं चलेगा। अनलाइक, क्योंकि आज के ज़माने में इतने तरीके हैं, इतने महत्वपूर्ण प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर हैं, आज हम किसी को भी पिन पॉइंट कर सकते हैं। और जब ये साइबर स्टॉकर्स पकड़े जाते हैं आफ्टर रिसर्च या आफ्टर केस फाइलिंग, तो इनका पहला जवाब ये होता है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं तो ऐसा करना ही नहीं चाहता था, मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। और सारे के सारे साइबर स्टॉकिंग जो केसेस हैं प्यार से नहीं जुड़े होते, काफ़ी हद तक ये स्ट्रेंजर टू स्ट्रेंजर, अनजान व्यक्ति से अनजान व्यक्ति तक के बीच में भी होते हैं। तो ज़रूरी नहीं हमेशा कोई प्यार में धोखा खाया हुआ व्यक्ति इसको करे, ये कोई अनजान व्यक्ति आपके खिलाफ भी कर सकता है। इसमें एक बहुत फेमस केस जो था वो US का था। इसमें मिस्टर जेसन वाइट, जो कि एक आर्ट गैलरी के मालिक थे, तो उन्होंने साइबर स्टॉक करके अपने पुराने एम्प्लॉयर्स, पुराने एसोसिएशंस, पुराने लोग जो उनसे जुड़े हुए थे, उनसे पैसा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, एंड करीब करीब $300,000 एक्सट्रैक्ट करने में ये सक्सेसफुल हुए। और इनको पकड़े जाने के बाद 60 महीने की कैद सुनाई। इन्हें मार्च 2014 में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से कि 2 बार इन्हें फेडरल स्टॉकिंग के लिए गुनहगार ठहराया गया और यूनाइटेड स्टेट्स में इन्हें सज़ा हुई। अच्छा, इन्होंने किया क्या? इन्होंने अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर, जो कि एक खुद एक आर्ट पब्लिशर थे, इन्होंने पुराने अपने सुपरवाइज़र, जो इनकी आर्ट पब्लिशर की कंपनी में सुपरवाइज़र थे, उनको स्टॉक किया। इन्होंने एक वेबसाइट बनाई जो बहुत ही आपत्तिजनक थी देखने वाले के लिए, एंड ये वेबसाइट उन फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, उन फॉर्मर सुपरवाइजर्स के खिलाफ थी, उनके नाम के खिलाफ थी। इन्होंने ऐसे उन्हें स्टॉक किया। इन्होंने कई तरह के धमकी भरे मैसेजेस भी अपने पब्लिशर्स को भेजे। उन पब्लिशर्स जो थे, उनके बेटे, उनके परिवार वालों को टारगेट करते हुए इन्होंने ऐसे मैसेजेस भेजे।
भेजे और उसमें लिखा कि अगर कुछ और करोगे तो आपको और बुरा देखने को मिल सकता है। तो जिन लोगों ने ये मैसेज रिसीव करे वो बहुत, उनके अंदर बहुत डर आ गया, वो बहुत परेशान होने लगे, दर्द महसूस होने लगा उनको। यहाँ तक कि एक पब्लिशर के बेटे की इन्होंने फ़ोटोज़ प्राप्त की और फ़ोटोज़ के साथ डराने धमकाने वाले मैसेजेस लिखे कि देखो इसके साथ ऐसा हुआ तो कितना दुखद होगा। तो जो पब्लिशर या फॉर्मर एम्प्लॉय थी वो बहुत परेशान हुई। 6 महीने स्टॉक और एक्सटॉर्शन स्कीम इन्होंने चलाई, उसके बाद ये अरेस्ट किए गए और 60 महीने की इनको कैद सुनाई गई। इन्होंने बार 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 एक ही बिजनेस रिलेशनशिप से, पुराने एम्प्लॉयर्स से, इनके पार्टनर्स से पैसा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी। तो ये एक ऐतिहासिक केस रहा साइबर स्टॉकिंग का। दूसरा केस अगर मैं आपको साइबर स्टॉकिंग का बताऊं, जो कि इंडिया में रिलेटेड है, काफ़ी फेमस भी हुआ था, सन 2000 की बात है, दिल्ली पुलिस ने इसमें एक मनीष कथूरिया नाम के व्यक्ति को पकड़ा था जो कि साइबर स्टॉकिंग में इन्वॉल्व थे। उन्होंने अपने पुराने कलीग की वाइफ को साइबर स्टॉक किया था। लीगल भाषा में कहूँ तो उन्होंने उस ही इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। तो ये एक उनके अगेंस्ट केस फाइल हुआ था। कथूरिया जी ने क्या किया कि वो ऑनलाइन जाते थे और अपनी आइडेंटिटी को एक औरत के रूप में पेश करते थे, अपना नाम, उस औरत का नाम बताते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और ऑन बिहाफ ऑफ द लेडी वो मोबाइल नंबर उनका पब्लिश करते थे। चैट रूम्स पर, वेबसाइट्स पर उनका नंबर उन्होंने पब्लिक कर दिया और सेक्स की डिमांड की। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें ट्रैक किया, उनको गिरफ्तार भी किया, बट क्योंकि हमारे साइबर लॉज में उस समय इतनी क्षमता नहीं थी तो ही वॉज रिलीज्ड लेटर। ये दो केस हमने साइबर स्टॉकिंग के समझे, देखे कि कैसे एक तरफ मिस्टर वाइट के केस में देर वॉज नो रोमांस, देर वॉज नो लव इन्वॉल्व, ओनली इंटेंट वॉज टू एक्सट्रैक्ट मनी, एंड हियर इन द केस ऑफ मिस्टर कथूरिया किसी को परेशान करना, उसका नंबर पब्लिक में डाल देना ही मकसद था, पैसा इन्वॉल्व नहीं था। अगली जो केस स्टडीज या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रैंसमवेयर। रैंसम माने एक सम अमाउंट ऑफ मनी दैट इज डिमांडेड फ्रॉम यू ऑन रिलीज ऑफ द कैप्टिव। मतलब आपकी कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़, इम्पॉर्टेंट डेटा, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सम प्रॉपर्टी विच इज इन कैप्टिव, किसी ने उसको अपने पास रखा हुआ है और आपको रिलीज करने के लिए वो पैसे डिमांड कर रहा है, तो ये रैंसम हुआ। तो जब ये साइबर वर्ल्ड में आता है तो उसको रैंसमवेयर कहते हैं, रैंसम सॉफ्टवेयर। बहुत ही फेमस रैंसमवेयर जो अभी रिसेंटली सबकी नज़र में आया मई 2017 में, वॉनाक्राई, वॉनाक्रिप्ट, दो नामों से उसे जाना गया, हम उसको देखेंगे। और उससे पहले मैं एक क्लासिक, काफ़ी समय से चलता हुआ रैंसमवेयर आपको बताना चाहता हूँ, उसका नाम है क्रिप्टो लॉकर। इसके कई सारे वर्जन आए, अलग अलग नाम से आए, बट सब लोग और सब वर्जन क्रिप्टो लॉकर के बेस पे आधारित हैं। तो
ये कैसे काम करता है वो हम समझ लें, क्योंकि विक्टिम या यूज़र के कंप्यूटर में पहुंचाना या उसको पहुंचाने के तरीके तो अनेक हैं। उसको आप ईमेल से पहुंचा सकते हैं, उसको आप किसी पेन ड्राइव में डाल के दे सकते हैं, वेबसाइट पे डाउनलोडेबल लिंक बना सकते हैं। तो रैंसमवेयर को यूज़र तक पहुंचाने के आज की दुनिया में तरीके तो बहुत ज़्यादा हैं। ये करता क्या है, कैसे काम करता है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो क्या होता है कि जब आपके कंप्यूटर में क्रिप्टो लॉकर टाइप का रैंसमवेयर इंस्टॉल हो गया और आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, और अगर नहीं भी हैं, तो जब भी आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, इवन फॉर अ स्मॉल ड्यूरेशन, से आपने सिर्फ 5 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आप इंटरनेट पे कनेक्ट हुए, तो ये अपना काम उस समय कर देता है। कैसे करता है, क्या करता है, ये सबसे पहले आपके कंप्यूटर की एक यूनिक आईडी जनरेट करता है, जिससे कि आपका कंप्यूटर आइडेंटिफाई हो जाए। कहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाए, वहाँ आइडेंटिफाई हो जाए जहाँ इसका बैकएंड सर्वर है, जहाँ इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जहाँ बाकियों के भी कंप्यूटर्स की डिटेल है, जहाँ बाकी कंप्यूटर्स जो कि क्रिप्टो लॉकर से इफेक्टेड हैं उनके भी यूनिक आईडीज प्रेजेंट हैं, वहाँ ये यूनिक आईडी जनरेट करके भेज देता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपके कंप्यूटर में ऐसा क्या होता है? तो सबसे पहले, क्योंकि इसने यूनिक आईडी वहाँ भेज दी, तो जो सर्वर होता है वो इस यूनिक आईडी को इनपुट लेके एक की पेयर जनरेट करता है, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो पब्लिक प्राइवेट की पेयर जनरेट करने के बाद वो सर्वर आपके कंप्यूटर तक पब्लिक की भेज देता है। तो पब्लिक प्राइवेट की पेयर में ये होता है कि अगर आप पब्लिक की से इनक्रिप्ट करें तो आप अपनी ही प्राइवेट की से उसको खोल सकते हैं। तो अगर सर्वर ने अपनी पब्लिक की आपके पास भेजी है और आपका डेटा अगर सर्वर की पब्लिक की से इनक्रिप्टेड है, तो ये डेटा डिक्रिप्ट सर्वर की प्राइवेट की से ही हो पाएगा। तो ये पब्लिक और प्राइवेट की का पेयर ऐसे काम आता है। इसे टोटल में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। इसके अनेक फायदे हैं इंटरनेट पर, बट ये इसका ऐसा एप्लीकेशन है जो अगेंस्ट है। तो जैसे ही सर्वर ने पब्लिक की आपके कंप्यूटर में भेजी, तो जो मालवेयर, जो क्रिप्टो लॉकर मालवेयर आपके यहाँ इंस्टॉल्ड है, वो आपके कंप्यूटर को ऑलरेडी स्कैन कर चुका है। उसको पता है कि आपकी इमेजेस कहाँ पड़ी हैं, आपके महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट फाइल्स कहाँ पड़ी हैं, वीडियोस कहाँ पड़े हैं, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहाँ है, तो वो उन सबको सेलेक्टिवली इनक्रिप्ट कर देता है या फिर इंटायरली पूरे हार्ड डिस्क को या पर्टिकुलर ड्राइव को इनक्रिप्ट कर देता है सर्वर की पब्लिक की से। अब ये पब्लिक की से जैसे ही इनक्रिप्ट करता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सर्वर की प्राइवेट की से ही खुल सकता है। अब आप एज अ यूज़र या आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि आपका डेटा रिकवर हो, आप उसे यूज़ कर पाएँ, क्योंकि आप यूज़र हैं, आपको शायद उस डेटा की इमीडिएट ज़रूरत ना हो या थोड़े घंटों में हो, लेकिन सोचिए अगर यही काम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हो जाए, उनके सारे कंप्यूटर्स का डेटा अगर इनक्रिप्ट हो जाए, उनके सर्वर्स इनक्रिप्ट हो जाए, तो बिजनेस पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा आप जान सकते हैं। तो क्रिप्टो लॉकर जैसे ही आपका डेटा इनक्रिप्ट करता है, तो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए या आपको प्राइवेट की देने के लिए ये कुछ पैसे की फॉर्म में या किसी और तरीके से आपसे वो चीज़ डिमांड करता है। आज की डेट में जनरली ये या तो कैश मांगते हैं या बिटकॉइन की फॉर्म में आपसे रैंसम मांगते हैं। जो लेटेस्ट वॉनाक्राई रैंसम वेयर था, मई 2017 में आया और काफ़ी वर्ल्ड वाइड लेवल पर उसने डैमेज किया, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस रुक गई और बहुत घाटा हुआ।
तो ये स्टार्ट हुआ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज से यूके में, वहाँ से वानाक्राई आया, एंड देन जैसे जैसे नेटवर्क पर इसकी प्रेजेंस बढ़ती गई, ये रेप्लिकेट होता गया और दुनिया के कई कंप्यूटर्स को इसने अपना टारगेट बनाया। इसमें भी सेम तरीके से काम किया गया, आपके फाइल्स को, इम्पोर्टेंट फाइल्स को, आपके रिक्वायर्ड डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया गया और आपके डेस्कटॉप पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि ये फलाना फलाना अकाउंट है, आपको यहाँ पर $300 से $600 के बीच में डिमांड इन्होंने रखी, वो वेरी करती रही जगह जगह के हिसाब से, बट इन्होंने ये पैसे बिटकॉइन की फॉर्म में मांगे। बिटकॉइन का इन्होंने एड्रेस दिया जो आपको डार्क नेट पे जाकर जमा करना पड़ा, और उसके बाद आपको प्राइवेट की मिली और आपने उसको डिक्रिप्ट किया। मैंने यहाँ दो नाम, दो नए टर्म्स आपको बताए, पहला है डार्क नेट, दूसरा है बिटकॉइन, जो अपने आप में एक सब्जेक्ट हैं। आप ऑनलाइन जाएं और इनको सर्च करें। तो ये दो तरह के जो केस थे हमने देखे रैंसमवेयर में, पहला क्रिप्टो लॉकर, दूसरा वॉनाक्राई या वॉनाक्रिप्ट जिसको कहते हैं। अच्छा, वॉनाक्राई और वॉनाक्रिप्ट के केस में इसने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की कुछ एक्सप्लॉइट थे उनको काम में लिया। सबसे पहला पहला जो लूज वल्नरेबिलिटी थी वो थी सर्वर मैसेज ब्लॉक, इसने उसको एक्सप्लॉइट किया। इटर्नल ब्लू के नाम से वल्नरेबिलिटी थी, उसको इसने एक्सप्लॉइट करके आपकी फाइल्स में घुसा और इनक्रिप्ट कर दिया। चलिए देखते हैं कि फिशिंग, जो कि बहुत तेज़ गति से बढ़ती जा रही है और बहुत सारे फॉर्म्स आ गए हैं फिशिंग के, जो कि इंटरनेट पर चल रहे हैं और लोग उसमें फंस कर अपना पैसा, अपनी डेटा, अपना इन्फॉर्मेशन लूज़ कर रहे हैं। तो अगर एक लार्ज डेफिनेशन मैं आपको बताऊं फिशिंग की, तो जनरली फिशिंग के जो मैसेजेस, जो ईमेल या फ़ोन होता है, वो आपको ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो जेन्युइन है, वो असली है। कई बार तो वो ओरिजिनल कंपनी का ब्रांडिंग, उनका लोगो भी इंक्लूड करते हैं, सो दैट वो एकदम जब आपके पास पहुंचे मैसेज या बात करने के तरीके से ऐसा लगे कि असल की कंपनी से ही कॉल आया है। आज की डेट में फिशिंग के कई टाइप्स हैं, उनको कई टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। चलिए देखते हैं कि वो क्या टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप है क्लोन फिशिंग। तो क्लोन फिशिंग नाम से ही समझ जाएं कि इसमें वेबसाइट का या एक विजिबल थिंग का क्लोन बनाया जाएगा, बिल्कुल हूबहू। बट हूबहू क्या असली होता है? नहीं होता है। तो क्लोन फिशिंग में हूबहू वेबसाइट बनाकर हूबहू तरीके से आपको दिखाया जाता है कि ये, एंड आपको ट्रिक किया जाता है कि आप उसमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, बैंकिंग इंफॉर्मेशन डालें। दूसरा फिशिंग का जो टाइप है वो है स्पीयर फिशिंग। स्पीयर माने टारगेट, स्पीयर माने एक भाला जो होता है वो बिल्कुल एक ही टारगेट को भेदता है। तो यहाँ भी फिशिंग जो है, स्पीयर फिशिंग के नाम से जिसको बताया गया है, वो एक टारगेटेड ग्रुप के अगेंस्ट की जाएगी। सपोज एक टारगेटेड कंपनी दूसरी कंपनी के अगेंस्ट स्पीयर फिशिंग करे, या एक नेशन या एक स्टेट या कुछ क्राउड और एक क्राउड के अगेंस्ट वो स्पीयर फिशिंग करे। तो यहाँ टारगेट हुआ, यहाँ हम सबको टारगेट नहीं करते, स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक लोग, स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपनी के अगेंस्ट ये स्पीयर फिशिंग का कैंपेन चलता है। तीसरा है फोन फिशिंग। फोन फिशिंग में क्योंकि आजकल डेडिकेटेड लाइंस, जो आप लैंडलाइन पहले घर में यूज़ किया करते थे, आज भी कईयों के घर में हैं, बट क्योंकि VOIP के ज़माने में आप कॉल आईडी स्पूफिंग कर सकते हैं, फ़ोन फिशिंग एक बहुत ही पॉपुलर फिशिंग का तरीका आता जा रहा है। आपको कॉल रिसीव होता है जिसमें कि ऐसा लगता है
कि कॉल असल कंपनी से आया है, असल कंपनी के हेडक्वार्टर से आया है, उसकी जगह का कोड भी देख लिया जाता है और फ़ोन फिशिंग को अंजाम दिया जाता है। आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी बहुत ही असल तरीके से और आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाएगी, ऐसी कोशिश की जाएगी। वेब स्पूफिंग, तो वेब स्पूफिंग भी एक तरह से वेबसाइट बनाना हुआ, लेकिन वेबसाइट बिल्कुल असल जैसी, ओरिजिनल कंपनी है बिल्कुल वैसी ही वेबसाइट, उसके लिंक्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे सो दैट आप पहुंचे तो आपको असल वेबसाइट का फील हो और आप अपने डिटेल्स उसमें एंटर कर दें। डिसेप्टिव फिशिंग में, जो कि एक अगला तरीका है, अगला टाइप है डिसेप्टिव फिशिंग में, आपको धोखा दिया जाएगा, धोखा देने की कोशिश की जाएगी, धोखे से आपको बताया जाएगा कि ये ईमेल या ये वेबसाइट असली है, ये असली जगह से आई है, तो वो कैप्चर कर ली जाती हैं अपने तरीक़ों से, साइबर सिक्योरिटी के तरीक़ों से, कि सेंडर इन्फॉर्मेशन और रिसीवर इन्फॉर्मेशन को सेम रखकर आपके पास वो ईमेल आ जाता है। अगला जो टाइप है वो है मालवेयर बेस्ड फिशिंग। तो ये फिशिंग तो है ही, बट इसमें आपके कंप्यूटर पे एक मालवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है जो टाइम एंड अगेन रन होता है, आपकी डिटेल्स या आपके यूज़र बिहेवियर, आपका वेबसाइट बिहेवियर को बैकएंड सर्वर पर भेजता है। अगला जो फिशिंग का तरीका या फिशिंग का पॉपुलर वे है वो है की लॉगर्स या स्क्रीन लॉगर्स। आपका आप जो टाइप कर रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट हो, ईमेल हो या कोई और सर्विस हो, आपको टाइप तो करना ही है, तो ये उस टाइप्ड वर्ड्स को, उस टाइप्ड की स्ट्रोक्स को सर्वर में भेजता है। हो सकता है कि आप कभी पासवर्ड ही एंटर करें, वर्चुअल कीबोर्ड ना यूज़ करके, क्या पता आप की लॉगर में कीबोर्ड के द्वारा अपने पासवर्ड को ही भेज दें। ऐसे ही स्क्रीन लॉगर्स होते हैं जो समय समय पे आपकी स्क्रीन का कैप्चर लेकर अपने बैकएंड सर्वर पर भेज देते हैं। अगला जो टाइप है वो है सेशन हाईजैकिंग। तो सेशन हाईजैकिंग आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, वेट करता है, और जैसे ही आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स यानी कि यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करते हैं, वहाँ से आपका वो सेशन हाईजैक करने की कोशिश करता है। सेशन माने सेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, तो सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो सेशन हुआ, जब आपने यूज़र नेम पासवर्ड डाला, उसको वो हाईजैक करने की कोशिश करता है और अपने बैकएंड सर्वर पे उसको भेजता है। अगला जो टाइप है वो है होस्ट फाइल पॉइजनिंग। जब भी आप कोई वेबसाइट अपने कंप्यूटर में, इंटरनेट ब्राउज़र में डालते हैं, मान लीजिए आपने एंटर किया www.uou.ac.in, तो बाय डिफ़ॉल्ट द कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर में रखी गई होस्ट फाइल को चेक करता है, वेदर होस्ट फाइल में उसका एड्रेस मिलेगा UOU का, तो वहाँ जाएगा, उसके बाद वो DNS पे जाता है एड्रेस चेक करने के लिए। तो अगर हम होस्ट फाइल में वेबसाइट के अगेंस्ट कुछ एक ऐसा IP एड्रेस लिख दें जो कि अटैकर का सर्वर का हो, तो आपकी रिक्वेस्ट पहले वहाँ जाएगी, तो एक तरह से ये होस्ट फाइल पॉइजनिंग अटैक हुआ। अगला अटैक है डेटा थेफ्ट। ये एक फिशिंग का टाइप है, धीरे धीरे आपके कंप्यूटर से डेटा थेफ्ट होगा और आपकी इम्पोर्टेंट जानकारी सर्वर पे चली जाएगी, जो कि बाद में कभी एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज़ हो सकती है। अगला टाइप है कंटेंट इंजेक्शन। कंटेंट इंजेक्शन में वेबसाइट पर, जो ओरिजिनल वेबसाइट है, उस पर एक लेजिटिमेट कंटेंट इंजेक्ट किया जाएगा और यूज़र को क्लिक करने के बहाने अपने इंटेंडेड अटैकर वेबसाइट पर ले जाया जाएगा। ऐसा ही जो अगला अटैक या टाइप ऑफ फिशिंग है वो है MITM फिशिंग, मैन इन द मिडल फिशिंग। सेंडर से रिसीवर के बीच में जो अटैकर है वो बैठा है, सेंडर ने एक रिक्वेस्ट जनरेट करी फॉर सम वेबसाइट, फॉर सर्विस, फॉर प्रोडक्ट, वो जैसे ही एंटर किया उसने और वो सर्विस की रिक्वेस्ट
आगे नेटवर्क पर सर्वर की तरफ जाने लगी। मैन इन द मिडल ने उसे कॉपी कर लिया और उसे एग्जैक्ट सर्वर पर जाने दिया। अब हो सकता है ये जो इन्फॉर्मेशन गई इसमें यूज़र नेम पासवर्ड हो, इसमें बैंकिंग डिटेल्स हो, तो ये मैन इन द मिडल फिशिंग टाइप हुआ। जो अगला टाइप का फिशिंग है वो कहलाता है सर्च इंजन फिशिंग। तो अगर आप जाएं किसी सर्च इंजन पर जैसे कि गूगल, याहू या बिंग, और आप टाइप करें एप्पल, तो या तो सेब के बारे में वेबसाइट जानकारी ये सब आएगा, या एप्पल कंपनी जो कि आईफोन, आईपैड, आईपॉड बनाती है उनके बारे में आएगा। और ये भी हो सकता है कि कोई तीसरी कंपनी अपने कंटेंट को इस तरह मॉडिफाई करे कि वो सर्च इंजन में शुरुआत की लिस्टिंग पे आ जाए। वो जैसे ही शुरुआत की लिस्टिंग पे वो आएगी, पहले पेज के पहले 10 रिजल्ट्स में आ जाएगी, तो यूज़र उसको बिलीव कर सकता है कि ये असली वेबसाइट है और उस पर क्लिक कर सकता है। तो यहाँ हम फिशिंग करके यूज़र को वी कैन कैप्चर। अगला जो और आखिरी जो टाइप ऑफ फिशिंग है वो है फास्ट फ्लक्स फिशिंग। इसमें जो सर्वर है और जो ओरिजिनेटर है फिशिंग का या कॉम्प्रोमाइज सिस्टम्स हैं उनको क्विकली शिफ्ट किया जाता है बॉटनेट्स के थ्रू। रोबोट नेट्स जो साइबर की एक टर्मिनोलॉजी है, उनके थ्रू उसे क्विकली शिफ्ट और शफल किया जाता है, तो ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल होता है। आप ट्रैक नहीं कर पाते कि ये फिशिंग अटैक कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। तो ये एक फास्ट फ्लक्स फिशिंग है, काफ़ी टेक्निकल है। तो फास्ट फ्लक्स फिशिंग एक अलग टाइप की फिशिंग। अच्छा, फिशिंग तो काफ़ी टाइप की हो गई, तो इसके चलते काफ़ी लोग फिशिंग के अगेंस्ट भी काम कर रहे हैं। एंटी फिशिंग ग्रुप्स हैं, जो दो बहुत फेमस एंटी फिशिंग ग्रुप्स हैं उनमें से पहला है फिश टैंक। ये 2006 में इसकी स्थापना हुई और इनका एक मैकेनिज्म है जहां ये वोटिंग के बेस पर फिशिंग वेबसाइट्स, फिशिंग ईमेल्स को क्लासिफाई करते हैं। दूसरा एक ग्रुप है एंटी फिशिंग वर्किंग ग्रुप, जो 2003 में स्थापना हुई और ये भी फिशिंग को कम करने के प्रयास में काम करते हैं। इंडिया में अगर कुछ जजमेंट्स देखें तो ICICI बैंक के अगेंस्ट मिस्टर उमा शंकर फिशिंग फ्रॉड में जीते। तमिलनाडु के एडजुडिकेटर ने मिस्टर उमा शंकर के साइड में फैसला दिया और उन्हें करीब करीब 13 लाख रुपए ICICI ने कंपनसेशन दिया। ये न्यूज़ ज़्यादा कवर नहीं हुई, आप इंटरनेट पर जाके सर्च करेंगे तो आपको कुछ कवरेज प्राप्त होगी। एक जो अगला स्कैम मैं आपको बताना चाहता हूँ वो काफ़ी फेमस है और 1970 के दशक से चालू है। तो ये एक वो स्कैम है, इसको कहते हैं वो 419 स्कैम। क्या 419 स्कैम इसका इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि 419 नाइजीरिया में क्रिमिनल कोड का सेक्शन है। ये क्राइम की जो ओरिजिनेशन है वो नाइजीरिया है, तो ये 419 स्कैम के नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है कि आपको हाई वैल्यू ऑफर के लुभाव में पहले कुछ एडवांस फी देनी होती है। तो आपसे कहा जाता है कि आपको सिर्फ अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ पैसे देने हैं और बाय द मंथ एंड या बाय द क्वार्टर या इस हफ्ते के पहले लकी ड्रॉ में आपको एक बड़ा अवार्ड मिलेगा। तो ये एक तरह का 419 स्कैम है। ये 1970 से चल रहा है, अलग अलग तरीक़ों से इवॉल्व हुआ है। आज की डेट में ये वेबसाइट और साइबर में पहुंचा है, फ़ोन में पहुंचा है, VIP कॉल्स में पहुंचा है। तो 419 स्कैम इज अनदर स्कैम जो आपको जानना चाहिए। उसके बाद एक अनएक्सपेक्टेड प्राइज एंड लॉटरी स्कैम होता है जहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपकी बहुत बड़ी लॉटरी निकल गई है, आपको बहुत बड़ा प्राइस मिलने वाला है। ये भी एक तरह से पैसे मांगता है, ये मल्टीपल टाइम भी आपसे पैसे मांग सकता है।
और किसी कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए आपको जागरूक कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये कहे कि हमने एक सर्वे किया और आप उसके विनर हैं, हमने कुछ अपने आप मोबाइल नंबर्स या टेलीफोन नंबर्स को सेलेक्ट किया है। तो एक तरह का ये अनएक्सपेक्टेड लॉटरी स्कैम है, जहां आपको फ़ोन करके ईमेल से या एसएमएस से बताया जाता है कि आपको बहुत बड़ी राशि प्राप्त हुई है, आप अपना अकाउंट नंबर और डिटेल्स दीजिए सो दैट आपके अकाउंट में ये राशि पहुँचाई जाए। तो ये एक स्कैम हुआ। तो हमने काफ़ी केस स्टडीज़ देखे, हमने ये समझा कि किस तरह से फिशिंग अटैक्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और हमने ये भी समझा कि लॉटरी स्कैम्स 419 स्कैम्स क्या होते हैं। तो कुछ अब देखते हैं प्रोटेक्शन मेजर्स या प्रोटेक्शन टिप्स क्या हो सकती हैं। सबसे पहले आपको अगर ऐसा कॉल, मैसेज, ईमेल या ऑफर आए तो आप सबसे पहले अपने आप से ये पूछिए कि वाई मी, मैं ही क्यों, क्या मैं इतना लकी हूँ कि इतनी बड़ी प्राइज मनी मुझे ही मिलेगी। तो पहला सवाल आप ये पूछिए कि वाई मी, वाई इट इज़ ओनली मी, या ये औरों को भी गया है। दूसरा जो आप इंडिकेशन इसमें देख सकते हैं कि कभी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े कॉरपोरेट्स, आपके बैंक्स, बड़े नाम के ऑर्गेनाइजेशंस, फर्म्स, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री किसी दूसरे के बैंक अकाउंट या ईमेल अकाउंट से इंफॉर्मेशन नहीं भेजेगी और वहाँ भी पैसा नहीं मानेगी। तो हमेशा एक रिलायबल सोर्स आएगा और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको फ़ोन या ईमेल से बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी। तो ये एक रिलायबल इंडिकेशन हुआ जो आप देख सकते हैं। अगला जो एक मेजर है या टिप है वो ये है कि कभी भी आप देखिए ऐसे लेटर्स, ऐसे ईमेल्स, एसएमएसेस, इनकी लैंग्वेज में बहुत प्रॉब्लम होती है, इनकी ग्रामर, इनके शब्दों का चयन बहुत ही गलत होता है। अगर आप एक स्टैंडर्ड तरीका देखें किसी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के लेटर का और उससे इसको कंपेयर करें या उस ईमेल से इसको कंपेयर करें तो बहुत फ़र्क आपको दिखेगा, आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये एक स्कैम है, एक फ्रॉड है। अगला जो आप इंडिकेशन इसमें समझ सकते हैं कि अगर कोई डील आई है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इतनी अच्छी कि सच हो ही नहीं सकती, वो सच में ही वो झूठ है। फिर अगला जो इंडिकेशन आप समझ सकते हैं वो यह है कि ऐसी डील्स, ऐसे ईमेल, ऐसे एसएमएसएस, ऐसे फोन्स में आपको जल्दी एक्शन करने की बात कहेंगे कि सर आज शाम तक ही होगा तो आपका नाम आएगा, आज शाम तक ही अगर आप पैसे जमा कराएंगे तो आपको प्राइज में नाम आएगा, आपको कंसिडर किया जाएगा। तो गवर्नमेंट मशीनरी या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े कॉरपोरेट्स ऐसा कभी नहीं करते, वो आपको पर्याप्त समय देते हैं किसी चीज़ में रिस्पॉन्ड, रिप्लाई करने का। ये बात आप ध्यान में रखिए। अगर कभी गलती से आपने ये रियलाइज़ किया कि मैंने बैंक डिटेल्स भेज दी हैं ऑलरेडी किसी स्कैमस्टर को, किसी फ्रॉडस्टर को, किसी फ्रॉड वेबसाइट या स्कैम रनिंग कंपनी को, तो तुरंत फिजिकल जाकर अपने बैंक को कांटेक्ट करें, और जहाँ पर अगर पैसे की बात है तो वहाँ जाकर कांटेक्ट करें और उन्हें कहिए कि ऐसा कुछ आए तो प्लीज़ ब्लॉक कर दीजिए और मेरी रिक्वेस्ट को डिनाई कीजिए, अपने पासवर्ड्स तुरंत चेंज कीजिए, अपने सिस्टम को स्कैन कीजिए। तो ऐसे आप काफ़ी हद तक उसको रोक सकते हैं। अगली बात यह कि कभी भी पैसा भेजिए ही नहीं, चाहे कुछ भी अमाउंट हो, 1 रुपये से लेकर आगे तक जितना भी हो, नेवर एवर सेंड एनी मनी, ये एक इंडिकेशन है। अगला एक जो मेजर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे स्कैम्स, ऐसे ईमेल के चलते कहीं ट्रैवल करके मत जाइए। अगर आपको कहीं बुलाया जा रहा है तो वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये एक स्कैम है जो आपको बुलाकर फिजिकल डेंजर में डाल सकता है। आज के लेक्चर को समराइज करें तो हमने आज
देखा कि कितने टाइप्स के साइबर क्राइम्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग केस स्टडीज़ हमने देखी, रैंसमवेयर से रिलेटेड, साइबर स्टॉकिंग से रिलेटेड, और कई केस स्टडीज़ आपकी किताब में हैं। और ये केस स्टडीज़ हर साल जुड़ती जाती हैं, बदलती जाती हैं, तो आप इसमें अपने आप को अपडेट रखिए। हमने कुछ प्रोटेक्शन मेजर्स समझे जो आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।